चलिए चलते हैं और बनाते हैं। लौकी कॉर्न कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये बेसन, ये इसमें डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर, सॉल्ट। अब इन सूखे मसाले को पहले मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। अब इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई लौकी, इसका मैंने पूरा पानी निकाल लिया है ऐसे छन्नी में, इसको इसमें डालेंगे। और अब डालेंगे कॉर्न, पहले इसमें पानी नहीं डालेंगे, पहले ऐसे ही इसको मिक्स करेंगे। अगर ये ऐसे ही मिक्स हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तब इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए इसमें बिल्कुल पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये अपने आप ही ऐसे मिक्स होता जा रहा है। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके पकौड़े हम लोग बनाएंगे, चलिए चलते हैं पकौड़े बनाते हैं। अब ऐसे चम्मच के हेल्प से छोटा छोटा पकौड़े उसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे, बहुत छोटा छोटा रहे। देखिए ये होते जा रहे हैं तो मैं इनको निकालते जाऊंगी। लो फ्लेम पे ही पकाएंगे तभी अंदर से अच्छे से पकेगा, इसको भी निकाल लेंगे साथ में। पकौड़ियाँ सारी तैयार हो गई हैं, अब हम लोग उसकी करी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, ये मैंने एक छोटा अनियन और एक टमाटर लिया है, इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी अच्छे से और इसका पेस्ट इस करी में डलेगा। सबसे पहले इसमें प्याज फ्राई करेंगे, फ्लेम को लो पे करेंगे और तब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट एक भर के पूरा चम्मच, और इसी में डालेंगे प्याज और टमाटर का पेस्ट। अब हम लोग डालेंगे इसमें हल्दी, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर दो बड़े चम्मच और एक ये धनिया पाउडर, और अब डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से ऑयल छोड़ने लगे, तब तक भूनते रहेंगे इसको। देखिए मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून गया है, अब हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ा करी को पतला ही रखेंगे क्योंकि जब उसमें ये पकौड़े जाएंगे तो अपने आप पकौड़े भी ग्रेवी को सोक करेंगे, इसलिए थोड़ा सा पतला ही इसको रखें। थोड़ा सा अच्छे से बॉयल आ जाए, 2-3 मिनट अच्छे से पक जाए तब हम इसको सर्व करेंगे। ग्रेवी भी हमारी रेडी हो गई है, अब हम लोग इसको सर्व करेंगे। सबसे पहले इस बोल में पकौड़े डालेंगे, अब डालेंगे इसमें करी, ये ऊपर से ही डालेंगे। हरी धनिया के साथ इसको गार्निश करेंगे। अगर आपको लौकी कॉर्न कोफ्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग इस रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।